सो हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जियो एयरटेल ने सरकार से सवाल किए हैं OTT के नियम को लेकर, मोबाइल टेलीफोनिक को नियम को लेकर। उसी से रिलेटेड आज का वीडियो रहने वाला है। सो बने रहिए इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, वो भी सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, आज का मुद्दा और आज का जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। जियो और एयरटेल इंडिया के बड़े टेलीकॉम कंपनीज हैं। OTT और मोबाइल टेलीफोनी में ज़्यादा फर्क नहीं है, फिर नियम अलग क्यों? ऐसा एक नियम कानून बनाए जाए, ऐसा उनका कहना है। तो उसी से रिलेटेड अपडेट है। रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने सरकार से सभी तरह की सेवाओं के लिए एक जैसे नियम कानून की मांग की है। इनमें OTT भी शामिल है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि यदि ऐसा होता है तो व्हाट्सएप कॉल समेत ऐसे ढेरों ऐसे फीचर्स हैं जो महंगे हो जाएंगे, जो अभी के टाइम पे फ्री में मिल रहा है। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम, स्काइप जैसे ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म और मोबाइल टेलीफोनी के बीच ज़्यादा फर्क नहीं है, लिहाजा उन पर भी समान रेगुलेशन लागू होने चाहिए। अभी देश में टेलीफोनी सर्विस के लिए कंपनियों को लाइसेंस लेना पड़ता है, जबकि OTT प्लेटफॉर्म इंटरनेट से चलते हैं, उन्हें सरकार से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूरसंचार विभाग ने हाल ही में इंडियन टेलीकॉम बिल 2022 का ड्राफ्ट जारी किया है। इस पर दूरसंचार नियामक ट्राई से 20 अक्टूबर तक सुझाव मांगे गए हैं। इसमें OTT को टेलीकॉम लाइसेंस के तहत लाने का प्रस्ताव है। यही ड्राफ्ट अमल आ गया तो सभी इंटरनेट आधारित कॉलिंग ऐप लाइसेंस फीस के दायरे में आ जाएंगे। भारतीय एयरटेल के चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर राहुल वत्स का समर्थन भी किया है इस चीज़ को। टेलीकॉम ऑपरेटर इस इंडस्ट्री में समान सेवा, समान नियम का सिद्धांत लागू करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इंटरनेट कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप को टेलीकॉम कंपनियों के बराबर लाइसेंस फीस चुकाना चाहिए, लेकिन किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम, स्काइप जैसे सभी प्लेटफॉर्म का परिचालन खर्च बढ़ गया है, उसकी वसूली से यूजर करेंगे और ऐसे में यूजर को टेलीकॉम कंपनियों के साथ OTT प्लेटफॉर्म को भी पेमेंट करना होगा। अन्य आय की चिंता है। अभी यूजर इंटरनेशनल कॉल व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म से कर लेते हैं, इसके लिए अतिरिक्त ट्रैफिक की जरूरत नहीं पड़ता है। यदि ये प्लेटफॉर्म पेड होंगे तो इसका इस्तेमाल घटेगा और टेलीकॉम कंपनियों को फ़ायदा होगा। साथ ही आपको दोस्तों बता दूं, दोहरे खर्च से बचने के लिए लोग OTT का इस्तेमाल कम करेंगे, ऐसे में डेटा यूजेज कम हो जाएगा, इसका सीधा असर टेलीकॉम कंपनियों की आय पर होगा। मौजूदा बिजनेस मॉडल में उन्हें सबसे ज़्यादा आय डेटा से ही होता है। तो अगर ऐसा होता है, यहाँ पे जियो और एयरटेल जो है सरकार से अपील कर रही है कि जो OTT के भी जो नियम हैं और जितने भी ऐसे टेलीफोनिक है या व्हाट्सएप है या स्काइप जैसे फैसिलिटीज़ है, टेलीग्राम जैसे फैसिलिटीज़ है, जो इंटरनेट के ज़रिए ही कॉलिंग प्लस मैसेजिंग की सर्विसेज मिलती है और इसके लिए कोई लाइसेंस की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है और डायरेक्टली लोग इसे फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें एंजॉय करते हैं। अगर ऐसा रेगुलेशन के अंतर्गत आता है व्हाट्सएप कॉलिंग या टेलीग्राम या सिंगल या जैसे सर्विसेज अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं लोग इसका यूज़ कम करेंगे। फिर उसके बाद टेलीकॉम कंपनियों का मानना है कि कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा और लोग मोबाइल की यूजेज करेंगे, ISD पैकेजेस लेंगे, जिससे उनके बिजनेस बढ़ने की गुंजाइश है। तो ये उनकी डिमांड है। देखना ये होगा कि इसका असर क्या होता है। होप सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। और इसी तरीके का अपडेट हमेशा इस चैनल पे आपको मिलते रहेगा। सो कीप कनेक्टिंग विथ आवर चैनल एंड वॉच आवर वीडियोज एंड गेट मोर नॉलेज। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद।